हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में ये वीडियो है जो कि अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 4,895% रिटर्न दे चुका है, वो भी कुछ ही सालों में। ईवी का स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टॉक है ये, और आने वाले टाइम के लिए मल्टी बैगर है ही, साथ ही साथ ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन चुका है। जी हाँ, जिस मैं शेयर की बात कर रहा हूँ ईवी सेक्टर से है, और अभी 2020 में ये सिर्फ 65 पैसे का ये स्टॉक हुआ करता था, 65 पैसे का, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 97 रुपीज़। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है इस शेयर को लेके, और इस न्यूज़ के चक्कर में ये जो शेयर है ये बहुत ही ज़्यादा अभी डिमांड में होने वाला है। सो गाइज़, पूरी वीडियो देखिएगा, और आप अभी नए हैं अगर मेरे चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब। इस चैनल पे मैं नए स्टॉक्स पे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे और फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आई होप कि आप पुराने कंटेंट भी देखेंगे और उसको पसंद करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मल्टीबैगर ईवी स्टॉक है जो कि 100 रुपये से नीचे अभी करंट प्राइस है, 4,895% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। ये जो स्टॉक है ईवी का, इसने नया ऑर्डर एक मिला है, वो भी छोटा मोटा नहीं, अराउंड 102 करोड़ का, यस 102 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है उसको, वो भी HPCL जैसी बहुत बड़ी कंपनी से, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये ऑर्डर मिला है। इस कंपनी को इससे पहले भारत पेट्रोलियम से भी ऑर्डर मिल चुका है, और ये ऑर्डर इसको मिल रहा है चार्जिंग स्टेशंस लगाने का पूरे भारत में, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के और भारत पेट्रोलियम के स्टेशंस हैं, लाइक पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगाने का इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ ही साथ अडानी के साथ भी इसका टाई अप है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरी वीडियोस देखिएगा जिससे कि आपको एटलीस्ट इस शेयर के बारे में पूरी जानकारी हो जाए इन्वेस्ट करने से पहले। और अगेन मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ, आप खुद भी स्टडी करें इस शेयर के बारे में। अगर आपको लगता है कि फंडामेंटली ये अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इस वीडियो में ये न्यूज़ बताने के बाद मैं आपको इसके फंडामेंटल्स भी बताऊँगा, इसका फेस वैल्यू, इसका सेल्स, इसके प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग, सब कुछ बताऊँगा, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ आया है 24 फरवरी 2024 का ही न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ₹1.95 टू ₹97, यानी ₹1.95 पर शेयर। ये जो शेयर है 4,895 का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है 3 साल में, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 3 साल पहले 65 पैसे का भी जाया गया था लोवेस्ट। अब इसका नाम है गाइस सर्वोटेक पावर सिस्टम्स, ये कंपनी है, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है ईवी चार्जर्स का इंडिया में। और इसने अभी रिसेंटली, जैसा कि मैंने बताया, 1500 DC फास्ट ईवी चार्जर्स का ऑर्डर मिला है इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेट्रोल पंप्स का चैन है इनका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, उससे ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर का वैल्यू है मैंने बताया आपको 102 करोड़ का है, और ये इन्वॉल्व है 2 चार्जर वेरिएंट्स, 2 अलग अलग तरह के चार्जर वेरिएंट लगाने के लिए, 60 किलोवाट का और 120 किलोवाट का। ये जो ऑर्डर है जो HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सिक्योर किया है, सर्वोटेक मैन्युफैक्चरिंग को, ये सर्वोटेक है वो सप्लाई करेगा और इंस्टॉल करेगा DC EV चार्जर्स नेशन वाइड, यानी कि पूरे भारत में, ठीक है, यानी जितने भी HPCL के रिटेल आउटलेट्स होंगे वहाँ पे डिप्लॉय करेगा अपने चार्जिंग स्टेशन सर्वोटेक जो पावर सिस्टम्स कंपनी है। तो इसीलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम से उसको ये ऑर्डर मिला है। सर्वोटेक एडिशनली क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा और सप्लाई करेगा चार्जर्स और ईवी चार्जर्स बाकी सारे OEMs को भी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं EVs को मोर कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से। अब जितने ज़्यादा पेट्रोल पंप है वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे, तो लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए इजी हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना और उसको चलाना।
इट विल ऑल्सो प्रमोट, ये साथ ही साथ ये भी प्रमोट करेगा पोल्यूशन, पोल्यूशन भी डाउन करने के लिए प्रमोट करेगा मोबिलिटी में, और सस्टेनेबल या ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के लिए भी काम आएगा। ये जो HPCL का ऑर्डर है और अदर OEMs का ऑर्डर है, ये सर्वोटेक प्रोडक्ट को वैलिडेट करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है और कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है, ग्रो करेगा ग्रोथ के साथ EV सेक्टर में। अब इससे पहले जो सर्वोटेक है पावर सिस्टम, उसने 75 EV चार्जर्स का एक ऑर्डर उसे मिला था, और वो मिला था अडानी टोटल गैस के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। साथ ही साथ सर्वोटेक जो है मैन्युफैक्चर करेगा, सप्लाई करेगा, इंस्टॉल करेगा और मेंटेन करेगा इन चार्जिंग स्टेशंस को, चार्जर्स को, और यूज़र फ्रेंडली बनाएगा सारे एक्सपीरियंस को। ये जो डील हो रही है अडानी के साथ या HPCL के साथ, वो सर्वोटेक का भी जो पोजीशन है वो एक अच्छा पोजीशन बनाएगा, मतलब लीडिंग प्लेयर बना सकता है EV मैन्युफैक्चरर्स में, और इसका रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छा बना सकता है इक्विपमेंट वाले एरिया में। साथ ही साथ एडिशनली सर्वोटेक ने रिसेंटली यानी कुछ ही टाइम पहले 1800 DC फास्ट EV चार्जर्स का ऑर्डर ग्रैब किया था BPCL से, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, और 2649 AC EV चार्जर्स अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरी इंडिया में 2649 AC EV चार्जर्स और 1800 DC फास्ट EV चार्जर्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट इसे मिला है। तो इससे पूरी भारत में जो सर्वोटेक है इसका एक स्ट्रॉन्ग चेन हो जाएगा, लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन जाएगा ये चार्जिंग स्टेशन का। और फ्राइडे अगर देखें तो शेयर्स जो है सर्वोटेक के वो काफ़ी अच्छा जंप किया और 5% के अपर सर्किट पर जाकर क्लोज हुए 97.40 रुपये से, और प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो थी 93.15 रुपये। 52 वीक का जो हाई है स्टॉक का 108.70 रुपये है, और 52 वीक का लो जो है 16.48 रुपये है, और मार्केट कैप है 2000 करोड़ से ऊपर का। अब 1.95 रुपये से जो 97.40 रुपये पर शेयर का गया है, इसने मल्टी बैगर एक रिटर्न प्रोवाइड किया है 4895% का 3 साल में। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनको यहाँ पे आई मतलब क्लोज आई रखना पड़ेगा, इस शेयर पे नज़रें रखनी पड़ेगी, बिकॉज ये फ्यूचर का मल्टी बैगर है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मैं अब आपको एक बार स्टॉकेज ऐप पे जाकर इसके फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको मोर क्लैरिटी मिल जाए इस शेयर के बारे में। तो अभी हम आते हैं स्टॉकेज ऐप के ऊपर, और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ इस शेयर को। सो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं जो पहला पेज है 97.60 रुपये करंट प्राइस इसका दिखा रहा है, जो लास्ट क्लोजिंग कल हुआ है। अपडेट्स में आप जाकर देख सकते हैं, जो मैंने अभी न्यूज़ बताई है वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। ये देखिए 23 फरवरी का ही न्यूज़ है कि इसने ऑर्डर ग्रैब किया है HPCL से 1500 DC फास्ट EV चार्जर्स लगाने का हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। अब अगर हम देखते हैं कॉरपोरेट अनाउंसमेंट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि रेगुलर ये डिविडेंड देती है, स्प्लिट भी हो रखी है शेयर। तो फंडामेंटल अब इसकी देखते हैं, तो फंडामेंटल में आप देखेंगे 2116 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इसको ग्रो करने का। इसका जो PE है वो 147 का है इंडस्ट्री PE का अगेंस्ट, जो कि है 72 का, तो थोड़ा सा PE ज़्यादा है, लेकिन इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। रिजल्ट की बात करें तो आप इसका ईयरली रिजल्ट देख सकते हैं, एनुअल कितना सुंदर आपको ये ग्राफ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर देखिए कितना अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट है सेल्स के अंदर, लास्ट 333 करोड़ का सेल किया है। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और सेल्स तो हर कोई कंपनी करती है, बट प्रॉफिटेबल तब मानी जाती है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा हो और अच्छा कर रही हो। अभी देख सकते हैं ग्राफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, लगातार प्रॉफिट दे रही है और वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट। तो गाइस ज़बरदस्त शेयर है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60% से ऊपर इसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें 4% से ऊपर के हैं। तो गाइस अच्छा शेयर है, आप खुद एक बार और रिसर्च कर लीजिए शेयर के बारे में। इसका फ्यूचर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और अडानी के साथ जैसे टाइप है, और पूरे इंडिया में इसके चार्जिंग स्टेशन लगने हैं, तो अच्छा खासा इसको शेयर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आपको और फ्यूचर में दे सकता है, जो कि ऑलरेडी दे तो चुका ही है, बट और दे सकता है ये आगे फ्यूचर में। तो उसी अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट इसमें अपनी चॉइस पे कर सकते हैं। ये वीडियो अगेन बता देता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से है, यहाँ पे कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है।
आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।